नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख हो हित इक न चलै नाल केव सचियारा होइया केव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोय गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने नीसाण गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथ काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तबल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुख काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहण मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दूख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान हो सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੇ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਰਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀ ਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ
केतिया गणत नहीं विचार, केते खप टुटै बेकार, केते लै लै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार, ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणे होए, होर आख न सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए, ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाणै आपे देहे, आखै से पे के ई केहे, जिस नो बक्से सिफत सालाह, नानक पातशाही पातशाह, अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवहै मुल लै जाहे, अमुल पाए मुल असमाहे, अमुल धर्म मुल दीवान, अमुल तुल अमुल प्रवान, अमुल बख्शीस मुल नीसान, अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए, आखै वेद पाठ पुराण, आखै पढ़े करह बखियान, आखै बरमे आखै इंद, आखै गोपी तै गोविंद, आखै ईश्वर आखै सिद्ध, आखै केते कीते बुद्ध, आखै दानव आखै देव, आखै सुर नर मुन जन सेव, केते आखै आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, केते कीते होर करेहे, ताख न सकै के ई केहे, जेवड़ पावै तेवड़ होए, नानक जाणै सचा सोए, जे को आखै बोल बिगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार, सो दार केहा सो कार केहा, जित भै सर्व संभाले, वाजे नादन एक असंखा, केते बावन हारे, केते राग परिस्यव कईन, केते गावन हारे, गावे तोनो पौन पानी बै संतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंदे दासन बैठे देवत्या दर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहने, सुरगा मच पयाले, गावन रत्नों पाए तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खान इंचारे, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, से ही तुदनो गावे जोत पावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिनो पाई, कर कर वेखा कीता अपना, जिव तिस दी वड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाहो साहा पात साहिब, नानक रहन रुजाई, मुंदा संतोख सरमपद चोली, ध्यान की करह विभूत, चिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजै नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरासाद, संजोग विजोग दो एकार चलावै, लेखे आवै भाग, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दी बाण, जिवत सभावै तिवै चलावै, जिव होवै फुरमान, ओह वेखै उन्हां नदर न आवै, बहुता एहो विडाण, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहते, जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार, जो किछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सिरजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसा आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस, एक दूजी भाव लख हो, लख होवै लख वीस, लख लख गेड़ा आखिया है, एक नाम जगदीश, ए तुराह पत पवड़िया, चढ़िया होए कीस, सुन गल्ला आकाश की, कीटा या ईरीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस, आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर, जोर न जीवन मरण नह जोर, जोर न राजमाल मन सोर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थित्ती वार, पवन पाणी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जीए जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै नीसान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त कड़िया है, रूप रंग के वेश,
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोट आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममा है ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरहे न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथे लो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर जियो हर जियो निमाणिया तू मान हर जियो
गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना तर
बोलन नीव चल हाथों देके पला मनाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वारों में गुरसिख की गुरुमुख की निशानियां बता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी वार है और ज्ञान तो होता ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर वार में हर शब्द में गहरा ज्ञान छिपा होता है। हाथों देके पला मनाए थोड़ा सा वार को समझ लेते हैं फिर मेन पॉइंट पे आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्तम मध्यम नीच लख गुरमुख नीचो नीच सदाए
कई लोग अपने आप को बड़ी कुल का सदवाते हैं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, उत्तम कुल, हम ऊंची कुल के हैं। भाई साहब गुरुदास जी कहते हैं जो असली गुरसिख होता है वो अपने आप को नीच सदवाता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, वो नीच सदवा के प्रसन्न होता है, बड़ा बनकर नहीं छोटा बनकर प्रसन्न होता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा क्यों है? सवाल किया गुरुवाणी से, गुरु से, कि क्या करूं कि गुरु को पसंद आ जाऊं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा क्या करूं कि गुरु की नजरों में आ जाऊं, गुरु को पसंद आ जाऊं मैं? तो शब्द है वाणी में, मन ज्यो अपने प्रभु भावो, मैं क्या करूं कि अपने प्रभु को भा जाऊं, नीच हो नीच नीच अत नाना, होए गरीब बुलाओ, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नीच लोग जो होते हैं उनके भी जो नीच हो, उनके जो गुलाम हो, मैं उनका गुलाम बन जाऊं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नीचे तब प्रभु को भाऊंगा, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि हर जियो अहंकार न भावे, यहाँ पर अहंकार नहीं चलता, विनम्रता भाती है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकारियां निंद का पीठ दे, पीठ हो जाती है उनकी तरफ, जो अहंकारी उनकी तरफ पीठ, जो विनम्रता उनकी तरफ मुख, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने आप को छोटा सदवाता है मन से, गुरु की प्रसन्नता हासिल कर लेता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बहुत सारे कार्य बहुत सारे लोग करते हैं, दुनिया करती है, कोई अवार्ड के चाहत में करता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई रिवार्ड के चाहत में करता है, कोई विरला है जो गुरु की खुशी के लिए करता है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उनकी बात हो रही है, उन विरलों की, मीठा बोलन उनकी सिफत है कि वो मीठा बोलते हैं, झुक कर चलते हैं मन से झुक कर, और हथों देके किसी का भला करके अपने हाथ से कुछ देकर जितनी समर्थता है खुशी होती है उनको, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पैरी पै पै खाक होए, गुरमुख गुरसिख आप गवाए, वही बात है, संगत की चरण धूड़ बनकर उन्हें खुशी प्राप्त होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैरी पै पै खाक होए, गुरमुख गुरसिख आप गवाए, अपना आप गवा लेते हैं, संगत में आके सेवा इस प्रकार से करते हैं कि अपने अहंकार को गवा बैठते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साध संगत पाओ पाओ कर, सेवक सेवा कार कमाए, सत्संगत में आके भाव से अदब से सत्कार से प्रेम से सेवा करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द सुरत लिवलीन हुए, दरगह मान निमाना पाए, सेवा करते हुए सुरत नाम में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिव जोड़ देते हैं अपनी नाम से, और लिव जुड़ने से क्या होता है, यहाँ पे भी मान वहां पे भी मान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर गए मान निमाना पाए, निमाने हर जियो निमाण्या तो मान, निचीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान। इसलिए तो कहा है ना, जिसे कुछ देना हो उसे पहले सेवा देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वे निमाने को मान दीवाना है तो सेवा देगा पहले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 दिन से प्रकरण चल रहा है सेवा का, सेवा के कई पहलू हैं, आज बहुत विशेष पहलू है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमारे हृदय में ज्ञान बस जाए, चलन जान अजान होए, आशा विच निरास बलाए, सब कुछ जानते हैं गुरुमुख, सब कुछ समझ रहे होते हैं पर अनजान बनकर बैठे होते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों के लगेगा ये बेवकूफ है, लोगों के लगेगा ये अज्ञानी है, सीधा साधा है, नहीं पूरा ज्ञान रखता है पर दिखावा नहीं करता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरुमुख अंदरों से आने बारो भोले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशा विच निराश बलाए, इस अवस्था के बारे में तुम पूरा प्रकरण ले चुके हैं, उदास, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहता संसार में मन निरंकार में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंधनों में नहीं बंधा,
उठा होता है कमल के फूल की तरह निर्लेप। आशा विच निराश वलाए, गुरमुख सुख फल अलख लखाए। ऐसा गुरमुख, ऐसा गुरसिख जब सेवा करता है तो झोली भर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, फल की प्राप्त कर लेता। फल क्या है? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसा नाम जो अब बंद नहीं होगा, जो चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस नाम का रस पिएगा वो अब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है सेवा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर सेवा की शर्तें सुनी आपने? एक प्यारी घटना याद आ गई यहाँ पर। गुरु हरगोविंद साहब जी, भाई गुरु हरगोविंद साहब जी ने, गुरु हरगोविंद साहब जी के पास ना बहुत सारी सेना होती थी, तो उनमें ना उन्होंने हर 100-100, 200-200 घुड़सवारों के, 500-500 घुड़सवारों के एक जत्थेदार बनाया होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझते हैं ना, एक ग्रुप बनाया हमने। जैसे यहाँ पर भी एक अगर जोड़े घर का कोई सेवादारों का ग्रुप है तो उसका एक मेन होगा ना, उसे जत्थेदार कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे 100 घुड़सवारों का एक जत्थेदार जिसका नाम है भाई चूहड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगे, पास में भाई गुरदास जी भी खड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी पास खड़े हैं। भाई चूहड़ जी से कहने लगे, भाई अपने जो तेरे आपके नीचे जो 100 सेवादार हैं घुड़सवार, उन्हें कहो यहाँ पे लंगर की दीवार बनानी है, पत्थर ढोकर लाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पत्थर ढो ढोकर लाए सब, दीवार बनानी है जल्दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा गुरु हरगोविंद साहब जी ने, जितने भी सिख आपके नीचे सेवादार हैं, आप जत्थेदार हो, उन सिखों से कहो कि पत्थर ढोने हैं, लंगर की दीवार बनानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जल्दी करो। गुरु हरगोविंद साहब जी बोलकर चले गए। काफी समय बाद जब वापिस आए तो पत्थर कौन ढो रहा है? भाई चूहड़ जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेज तेज पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, फेंक रहे हैं, अकेले लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी पास आ गए, कहने लगे, भाई तू क्यों उठा रहा है पत्थर? तुझे कहा था सिखों से पत्थर उठाए, तू क्यों ढो रहे? तू तो जत्थेदार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई चूहड़ ने हाथ जोड़कर कहा, ये ज्ञान है यहाँ पर, जिस ज्ञान को भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में अंकित किया। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई चूहड़ ने कहा, पातशाह आपने वचन किए कि सिखों से कहो कि पत्थर ढोकर लाए, लंगर की दीवार बनानी है। मेरा मन किया आज मैं सिखी की दात ले लूं, अगर मैं पत्थर ढोऊंगा मैं भी आपके सिखों में शामिल हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखों में शामिल हो जाऊंगा। गुरु हरगोविंद साहब जी ने गले से लगा लिया भाई चूहड़ को, कहने लगी, है तू जत्थेदार पर तुझे ज्ञान है कि सिखी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखी की अहमियत को तू समझता है? जत्थेदार होके भी तूने, निमाना होके, विनम्रता से तूने सेवा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो जत्थेदार क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, काम करवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद भी लग गया है तू सिखी की दात पाने के लिए, तेरी सेवा सफल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गले से लगा लिया गुरु ने एक सेवा खुद करने की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान दे दिया। बाबा नंद सिंह जी अक्सर कहा करते थे, कोई कहता था ना बाबा नंद सिंह जी को आप पूर्ण संत हो, कोई कहता था गुरु नानक के रूप हो, ताड़ना कर देते थे, टोक देते थे बड़ी जबरदस्त, कहते थे अभी तक तो मैं गुरसिख भी नहीं बना हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम अपने नाम के साथ संत लिखवाते हैं, वो अपने नाम के साथ संत नहीं लिखवाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते मैं गुरसिख भी नहीं बना हूं, कहीं पे भी आपने नहीं पढ़ा होगा संत बाबा नंद सिंह जी, लिखवाने नहीं देते थे, लिखने नहीं देते थे। ये तो उनके जाने के बाद भी बाबा लगाया हमने, बाबा नंद सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस घटना को भाई साहब गुरदास जी ने अपने वारों में अंकित किया, श्रवण कीजिए। पैरी पे पाखाक होए छंड मणि मनूरी, पानी पखा पीहना ने
थप्पड़ चार बिछाएंदा चुल चोक ना चोरी मुर्दे वांग मुरीद होए कर सिदक सबूरी चंदन होवे सिमलो फलवास हजूरी पीर मुरीदा पिर हड़ी गुरमुख मत पूरी। हर से बोलिए धन गुरना। भाई गुरदास जी इस बार में जो ज्ञान दे रहे हैं ना कमाल का, इतने छोटे छोटे पॉइंट को डिटेल में लिया है ना कि ज्ञान मिलता है सेवा कैसे करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैरी पै पै खाक होए छड़ मणि मनूरी, अपने मन का अहंकार छोड़ के ये छोड़ करके मुझे कोई औहदा मिले सेवादारों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं मेन बन जाऊँ छड़ मनो मनूरी कि मैं मुखी बन जाऊँ सेवादारों का, नहीं ये छोड़ कर जो सेवा करता है कैसे धन है ऐसे गुरसिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, असली सेवा वो है। पानी पक्खा पीहना नित करे मजूरी, सेवा करता है मजदूरों की तरह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दिहाड़ी के मजदूर को लगाओ तो कैसे काम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कहते ऐसे सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ऐसे नहीं कि एहसान कर रहे हैं, मन लगा के काम करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कितनी प्यारी पंक्ति है, त्रप्पड़ चाड़ बिछाइंदा चुल चोक ना चूरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। समझो एक सेवादार की सेवा है झाड़ू मारना, ऐसे होता है ना, हर एक की अपनी अपनी सेवा है। अब कोई दूसरी जगह से उसे आवाज मार दे, भाई ये सेवा तूने कर ली है मेरे साथ, उसमें भी हाथ बता दे, सेवादार कम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हम क्या कहते हैं, भाई ये मेरी सेवा नहीं, मेरी सेवा यही है, मैं यही करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे अक्सर ही होता है, मुझे फोन आती है कि भाई साहब यहाँ पर जरूरत है, मैंने उससे कहा कि कर दे, वो कहते हैं मेरी वही सेवा है, मैं वही करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं गुरु साहब जी, और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सेवादार जो होते हैं ना वो कीर्तन सुन नहीं रहे होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैं उनसे हमेशा बेनती करता हूँ, भाई कीर्तन के बाद घर में जाके कीर्तन सुन लिया करो, या हेडफोन लगा के कीर्तन सेवा किया करो, इशारों में बात कर लो। अभी लंगर हाल में 200 लोग 250 लोग लगे हुए हैं, हेडफोन लगा के सेवा करनी चाहिए उन्हें, ये सुने तो पता चलेगा ना सेवा कैसे करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेनती है सारे लंगर साहब के सेवादारों से, जितनी भी किसी भी सेवा में लगे हुए हैं, वो ये मानता हूँ कि अपना सुख छोड़कर अपना आनंद छोड़कर सेवा करनी पड़ती है, पर कीर्तन जरूर सुन लिया करो बाद में, ताकि ज्ञान ना रह जाए अधूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा का ढंग ना रह जाए अधूरा, झोली भर जाए। धन गुरु नानक। तप्पड़ चाड़ बिछाइंदा चुल चोक ना चोरी, कहते एक आदमी तप्पड़ बिछा रहे हैं जैसे टाट बिछा रहे हैं। भाई गुरुदास जी कह रहे हैं टाट बिछाते हुए किसी ने कह दिया वहां पर लकड़ियों की जरूरत है, चूल्हे में लकड़ियां आके लकड़ियां काट दे, तो वो चूरी कहते हैं भरवट्टे नहीं उठाता भाव, चिढ़ता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झुरता नहीं, कहते ना मूंज गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, वो खुशी से जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेवादार की पहचान है, यही नहीं कि यही मेरी सेवा है, अगर वहां जरूरत है मैं वहां चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुर्दे वांग मुरीद होए कर सिदक सबूरी, सिदक इतना हो जैसे मुर्दे का हो, मुर्दे को ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सत्कार ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुबोल बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेवा कर तू ऐसे जैसे तू मुर्दा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कुछ कह दे कोई असर ना हो, कोई कुछ बोल जा कोई असर ना हो। ये भाई साहब भाई गुरदास जी सेवादार की निशानियां बता रहे हैं, जो गुरमुख सेवादार हैं, जो भाई चूहड़ जी में उन्होंने देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंदन हो वैसे मिलो फलवास हजूरी, चंदन के पास लग गया सिमल, अब उसकी भी उतनी वैल्यू हो गई, कह लगे ऐसे गुरसिख की वही वैल्यू हो जाती है जो गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया उसे पूजने लग जाती है जो गुरु को पूजता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इस प्रकार से सेवा करता है गुरु का ही रूप बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर मुरीदा पिर हड़ी गुरमुख मत पूरी, पीर मुरीदा पिर हड़ी, पीर के मुरीद संत और संतों की संगत उनसे प्रेम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पूरी मत है,
नाम जपाने वालों और नाम जपने वालों से प्रेम करता है वो, और ये पूरी मत है, यही सबसे मेन पॉइंट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ईर्ष्या नहीं करता, निंदा नहीं करता, नाम जपने वालों की, जपाने वालों को प्रेम करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सेवादारों के लक्षण बताए हैं कि अगर सेवा करके झोली भरनी है तो इस प्रकार सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आई दो पंक्तियां पढ़ ली, फिर एक बहुत ही प्यारी घटना है जिसमें अटूट ज्ञान भरा पड़ा है, अटूट। कोई ले लेगा, जीवन पलट जाएगा, गरीबी से अमीरी में आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई ले लेगा, उसकी गरीबी खत्म होनी ही होनी है, क्योंकि गुरु साहब जी के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मिठा बोलन, मिठा बोलन, नीब चलन। इस साखी में जो दास अभी लेने जा रहे हैं, इतने विशेष पहलू हैं। कोई चाहे धनवान बनना, धनवान बन सकता है। कोई चाहता है सहज अवस्था की प्राप्ति, वो पा सकता है सेवा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसकी जो इच्छा हो, क्योंकि सेवा कल्प वृक्ष है। जिस भावना से सेवा करोगे, झोली भरनी ही भरनी है, वो भावना पूरी होगी ही होगी, पाछा कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस शुभ भावना से सेवा करोगे, अगर कोई अशुभ भावना लेकर सेवा करता है तो पता सेवा क्या करती है, सबसे पहले उसकी अशुभ भावना ही मिटा देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भावना फिर शुद्ध हो जाएगी। ये कृपा वर्तती है, ये सेवा सिमरन की बरकत है। ऐसा हो नहीं सकता, ये तंत्र मंत्र जादू टूना नहीं है, ये वाणी, ये सर्वशक्तिमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई कहे कि मैं पांच सुखमनी साहब जी का पाठ करूं और फलाने का सत्यानाश हो जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुश्मनी रख के नाम जपे कि फलाने का बुरा हो जाए, वाणी सबसे पहले अंदर की बुराई ही मिटा देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसी का भला मानने लग जाएगा वो, ये वाणी की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक नाम तेरे पहाड़े सर्वत दा पला। बड़ी प्यारी घटना आती है साथ संगत जी। पंडित गंगाराम जी बठिंडे के, बठिंडे का इलाका, ऐतिहासिक में नाम आया पंडित गंगाराम जी। उनका कारोबार है बहुत बड़ा अनाज का, वो बाजरे का अनाज बेचते हैं, ऊँटों पर लदा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत बड़े कारोबारी है, बड़ा कारोबार है उनका। तो उन्होंने न जाने कितने सारे ऊँट, कई मन, कहीं पर 2000 मन लिखा है, कहीं पे
2500 मन लिखा, इतना अनाज लाद कर ऊंट पर व्यापार करने चल पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ते में जगह जगह पूछ रहे भी कहाँ जाकर बेचूं, जहाँ पर मुनाफा ज्यादा हो, लाभ ज्यादा हो, कहाँ जाऊं, कहाँ बेचूं। तो सब ने कहा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज सरोवर की खुदवाई करवा रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सरोवर बना रहे हैं, वहां चले जाओ। हजारों की तादाद में संगत होती है, रोज लंगर पकता है, वो सारा अनाज खरीद लेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ये प्रसन्न हो गया पंडित गंगाराम जी, ये चले गए वहां पर। वहां पर जाकर उन्होंने जो नजारा देखा, ये तो हैरान ही हो गए, ये कैसे लोग हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े लोग जिनके हाथों में गहने पहने हुए, वो भी कीचड़ उठा रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मट्टी उठा रहे हैं, टोकरी ढो रहे हैं, हजारों लोग हैं। कोई ईंटें पका रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है, कोई मिट्टी ढो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खोद रहा है। ये देखकर हैरान हो गया कि बिना मजदूरी के ये सब काम कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां देखा रहा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन देखता रहा, हैरान ही हो गया, रुक गया कि ये क्या है। गुरु अर्जन देव जी महाराज के दूर से दर्शन कर रहे हैं, दूर से दर्शन कर रहा है और मन को आनंद मिल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पास नहीं जा रहा। जब कुछ दिन बीत गए तो ये उम्मीद कर रहा है कि इतने सारे ऊंट देकर, इतना सारा अनाज देकर सेवादार आएंगे, कहेंगे भी हमें अनाज चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर कोई नहीं आया। पर नियत निरंकार की इस पर कृपा होनी थी, गुरु जी ने कला वर्ताई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा समय आ गया के भंडारे में, लंगर में अनाज खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवकों ने आके गुरु अर्जन देव जी महाराज से विनती की, पाचा लंगर में आज का यह अनाज है, कल के लिए नहीं है, तो क्या करें। कहने लगे अनाज आया नहीं। कहने लगे नहीं, जितना आया था वो लग गया, पर संगत अभी और ला नहीं रही, थोड़े थोड़े आ रहे हैं अनाज, पूरा नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, रात का काम चल जाएगा, संगत बहुत ज़्यादा है, लंगर बहुत ज़्यादा बनना है, अनाज नहीं है। गुरु अर्जन देव जी मेरे कहने, कोई बात नहीं, गुरु पे भरोसा रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक भली करेगा। ये सब खड़ा सुन रहा है और खुश हो रहा है कि अनाज नहीं है, अब मुझसे खरीदेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए किस भावना से आए हैं, लाभ उठाने। और रोज संगत कर रहा है, बैठ रहा है, सुन रहा है, और इसका मन साफ होते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके मन निर्मल होते जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं, थोड़ी सेवा भी कर लेता है खड़ा है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, पर मन में यही है कि मेरा अनाज बिक जाएगा सारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जब अगला दिन हुआ, दोपहर के टाइम लंगर नहीं पका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और संगत भूखी बिना खाए सेवा कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना सेवादारों ने गुरुसाहब जी से कुछ कहा, ना गुरुसाहब जी ने सेवादारों से कुछ कहा, और ये खड़ा सब देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका मन निर्मल हो गया है, मन किया कि मैं क्यों ना सेवा कर लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर इतनी संगत, इतना नाम जपने वाली संगत, इतनी प्यारी संगत भूखी बैठी है, हजारों लोग हैं, मेरे पास इतना अनाज है, थोड़ा सा दे देता हूँ बीच में से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबका लंगर बन जाएगा और मुझे गुरुसाहब जी की प्रसन्नता मिल जाएगी, मेरा भी भला हो जाएगा थोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में नेक ख्याल आ गया और चला गया जहाँ लंगर बनता है। सेवादार से कहने लगा, भाई लंगर बना लो, मेरे पास बहुत अनाज है, मैं अनाज बेचने ही आया हूँ, अब तक बिका नहीं है, आपको जितनी ज़रूरत है आप ले लो और लंगर प्रसाद तैयार करके संगत को छका दो, बना दो। सेवादार कहने लगे, मैं से तो ले नहीं सकते, गुरुसाहब जी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो कहने लगे, जाके आज्ञा ले लो। सेवादार गए गुरुसाहब जी के पास, गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास, और बेनती की, पाचा एक पंडित गंगाराम जी बठिंडा से आए हैं, उनके पास बहुत सारे ऊँट हैं और बहुत सारा अनाज लदा हुआ, कहते हैं कि सेवा में ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जितना चाहिए। गुरुसाहब जी कहने लगे, जितना चाहिए उससे ले लो, पर एक बात उससे कह दो कि उसका कीमत लेनी पड़ेगी, सेवा नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा नहीं चाहिए, उसकी कीमत लेनी पड़ेगी, पर इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं है। अभी जोड़ मेला आएगा थोड़े दिनों बाद, संगत आके अपना दसवन चढ़ाएगी, तो उसमें से फिर हम उसको जितने होगी उसको कहना सवा गुना कीमत ले ले अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना है सवा गुना कीमत ले लेना,
पर हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पंडित गंगाराम जी को जब बात पता चली कहने लगे ठीक है बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 मन अनाज उन्होंने दे दिया, 100 मन अनाज से कहने लगे उस दिन का रात का लंगर बन गया। दूसरा दिन आया फिर से कहीं से रसद नहीं आई, उन्होंने 100 मन और दिया। इतिहास में लिखा है कि 500 मन उन्होंने बाजरा दे दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक और लंगर बनता रहा। जोड़ मेला आ गया, संगत ने धन चढ़ाया, अपना दसवंध रखा गुरुसेव जी के आगे। गुरुसेव जी ने सेवादारों से कहा भाई ये दसवंध आ गया है, बहुत धन आ गया है, अब उस पंडित गंगाराम जी को बुलाओ, उन्हें इसकी कीमत दे दी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये पंडित गंगाराम जी जब अन्न दिया इसने वहाँ पे लंगर में, उसके बाद ये साथ में सेवा में लग गया। ये भी पूरा दिन सरोवर में सेवा करता है, जो सेवा इसे कही जाती है। अब सेवा कर करके और मन निर्मल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरुसेव जी के सामने आया, सेवादार ने बुलाया तो बैठ गया सामने आके माथा टेक के। गुरुसेव जी कहने लगे भाई अपनी कीमत बता। ये खड़ा हो गया, कहने लगा पाछा एक बेनती है, मुझे धन नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहने लगे तू कारोबार के मन से आया था लाभ उठाने, तो तेरा तो नुकसान हो जाएगा अगर तू तो सेवा में दे देगा। तो कहने का पाछा लाभ उठाने आया था और इससे बड़ा लाभ क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो मुझ पे कृपा करो, ना मैं घर जाना चाहता हूँ, ना मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, ना व्यापार, आपके चरणों में रह के सेवा करना चाहता हूँ। जो मुझे यहाँ से मिला है इतने दिनों में, सारा जीवन मैंने गवाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने कृपा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा, कहने के देखो पंडित जी आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को दान देते हैं, मैं आपसे ले कैसे लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चरणों में गिर पड़ा पंडित गंगाराम जी, कहने लगे अपना सिख समझो मुझे, ब्राह्मण हो तो क्या हुआ, मुझे अपना सिख बना लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने ऐसी कृपा भरी दृष्टि से देखा, सेवादार को बुलाया, जल मंगवाया, अपने चरण धोकर अपना चरणामृत पंडित गंगाराम जी को पिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है टूट गए उसकी सेवा पे, उसकी भावना से, और पंडित गंगाराम जी की समाधि लग गई। समाधि लगे काफी समय तक, फिर गुरुसेव जी ने उसे बुलाया, कहने के जा सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है जो अवस्था ऋषि मुनियों को कई जन्म लगा के मिलती है, इसे हर दिन वो अवस्था मिलती जाए, दिनों में इसकी अवस्था। इसमें लिखा है कि सिद्धियां रिद्धियां इसके आसपास खड़ी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, शक्ति आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुसेव जी की कृपा, अपना चरणामृत पिलाया उसे गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और तरस किया है, और कुछ ही दिनों में इसे अवस्था बख्शकर अपने पास बुला, कहने के जा अपने घर, अब परिवार संभाल और सारे बठिंडा की संगत को नाम से जोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझ में वो नाम भर दिया है, तू जिसे कहेगा वो जुड़ेगा, तू जा और संगत को जोड़ नाम से। दुनिया भटकी हुई है, उन्हें सही रास्ता दिखा और ये वचन करके पंडित गंगाराम जी को भेज दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इस घटना को थोड़ा विचार करो, ये आया किस लिए था, बेचकर धन कमाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसने बेचकर नाम का धन कमा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कोई सारा का सारा भी बेच देता ना सारा जीवन, तो किन के नाम के बराबर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस अवस्था को ये पा गया, किस वजह से पा गया, लंगर में सेवा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेवा किस भावना से की, कि गुरुसेव जी की प्रसन्नता ले ली। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हथों देखे पला मनाए। जो भी महापुरुषों के, कितने महापुरुषों के वचन है, कोई गरीब है लंगर में सेवा करो, दसवंध दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बहुत प्यारी घटना आती है, ये बहुत ही जरूरी है, सुन लेनी चाहिए यहाँ पर। गुरु हराय साहब जी संगत में विचार कर रहे हैं, गुरु हराय साहब जी साथ में गुरु नानक, कहने लगे जो दसवंध निकालता है लंगर में उसके घर से कलेश दुख और रोग भी साथ में निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लंगर में दसवंध निकालता है अपना 10% जो कमाई का है हिस्सा लंगर में देता है गुरु के लंगर में, तो उसके घर से केवल दसवंध नहीं निकलता, दुख कलेश और रोग भी निकल जाते हैं। तो वहाँ पर एक सिख खड़ा हो गया हाथ उठा करके,
कहने के पाचा कुछ कहना चाहता हूँ। गुरु हरिराय साहब जी कहने के हाँ कहो भाई। तो उसे कहने के पाचा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब बहुत हूँ, मैं लंगर में जाके कैसे दान दूँ, क्या करूँ, सेवा डालूँ अपनी, शर्म आती इतना थोड़ा देने के लिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुन लेना, बहुत कीमती पॉइंट है ये, बहुत कीमती। गुरु हरिराय साहब जी कहने के कितनी रोटियाँ खाता है, कहने का चार रोटियां दिन में खाता हूँ पाचा, इससे ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं है, पैसे नहीं होते, इतना ही अन्न होता है, दो रोटी सुबह दो रोटी शाम को। कहने के तीन खा लिया कर, फिर से बोलिए धन गुरु नानक, तीन खा लिए पर एक रोटी लंगर में दे, उतना आटा लंगर में दे आया कर, इकट्ठा कर ले महीना भर, वो महीने बाद दे आया कर। कहने का पाचा एक रोटी से क्या होगा, फिर से बोलिए धन गुरु नानक, एक रोटी से क्या हो जाएगा मेरी एक रोटी देने से। कहने की एक रोटी से ये हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा तू हजारों रोटियां बांटने वाला बन जाएगा। ये वचन सातवें गुरु नानक गुरु हरिराय साहब जी के लिखे हुए हैं। दूसरा सिख खड़ा हुआ हाथ खड़ा करके, कहे पाचा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहने की हाँ बोलो, पूरी घटना अंकित है। कहने का पाचा ये तो चार रोटियां खाता है, एक दे देगा, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं पूरे दिन में दो रोटी खाता हूँ, एक ही समय खाना खाता हूँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, मैं कैसे लंगर में सेवा करूँ, मेरा कैसे भला होगा। तब गुरु हरिराय साहब जी कहने के तेरी घरवाली आई है साथ में। कहने के हाँ आई है। कहने बुलाओ उसे। वो अपनी घरवाली को बुला के लाया। तो कहने के जब बेटा जब खाना बनाते हो ना, जब रसोई बनाते हो, लंगर प्रसाद तैयार करते हो, बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास, एक चुटकी आटा निकाल के कटोरी में डाल दिया करो, एक चुटकी, और जब वो कटोरी भर जाए लंगर में दे आया करो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने के पाचा एक चुटकी से क्या होगा, एक चुटकी, एक रोटी तो समझ में आती, एक चुटकी से कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु हरिराय साहब जी ने एक बड़ी कीमती घटना सुनाई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, के लंगर की ताकत क्या है, सेवा की ताकत क्या है, जो कोई हथो देके भला मनाए। कहने लगे एक बहुत ही गरीब आदमी, ये घटना गुरु हरिराय साहब जी सुना रहे हैं संगत में, एक बहुत ही गरीब आदमी रहता है, उसकी घरवाली में रहती है, झोपड़ी में रहते है, टूटी फूटी झोपड़ी है, बहुत थोड़ा सा टुकड़ा है जमीन का उसके पास, उस पर वो फसल उगाता है और जितना भी अन्न निकलता है एक समय खाते हैं दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, थोड़ा सा खा पाते हैं, यही उनका गुजारा है, कुछ नहीं है उनके पास। पर उस झोंपड़ी में एक चिड़िया का जोड़ा रहता है, चिड़ा और चिड़ी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हस्बैंड वाइफ रहती है चिड़िया और उसका पति, घोंसला बना के उस झोंपड़ी में। आपस में बात करते हैं कि हम ये हैं बहुत गरीब जिनके पास हम रहते हैं, ये गुरु घटना गुरु हरिराय साहब जो सुना रहे हैं। चिड़िया और चिड़िया आपस में बात कर रहे हैं कि हम इनके घर में रहते हैं, इनका ही अनाज खाते हैं, इतनी गरीबी में ये रहते हैं, इन्हें तो ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिड़िया कहती है कि इन्हें ज्ञान नहीं कि अपना भला कैसे करना है, क्यों ना हम इनका भला कर दें। तो वो कहते कैसे करें इनका भला, कहने की दो दाने आप उठाया करो, दो दाने मैं उठाया करूँ इसके, जो इसने जमा करके रखे जाके लंगर में डालाया करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना गुरु हरिराय साहब जी सुना रहे हैं संगत में, दास बार बार रिपीट कर रहे हैं, किसी आदमी की कहानी नहीं है ये, साथ में गुरु नानक कह रहे हैं, एक एक वचन तीन काल साते हैं। उन्होंने यही किया, चिड़िया चार दाने, दो दाने ये उठाए, दो दाने रोज लंगर में डालाए करे। गुरु हरिराय साहब जी कहने लगे इनके दिन पलटने शुरू हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले फसल बहुत बढ़िया हो गई, और फसल बढ़िया हो गई तो फसल बेच भी दी, थोड़े धन आ गया तो कारोबार शुरू किया, जो भी कारोबार शुरू कर रहे हैं बरकत ही हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये अमीर होते जा रहे हैं, धनवान होते जा रहे हैं चार दानों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब धनी यादा आ गया, झोंपड़ी तुड़वा दी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, कोठी बना ली अपने लिए, हवेली बना ली। अब जब झोंपड़ी तुड़वा दी तो चिड़िया का जोड़ा वो जड़ गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, वो बाहर जाके पेड़ पर बैठे बोल रहे हैं आपस में, हमने अच्छा भला किया इसका। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, हमारा ही बुरा हो गया, अच्छा भला हमारा घोंसला था वहाँ रहते थे, अब पेड़ पर रहना पड़ रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, अब वो पेड़ पर रह रहे हैं और ये धनवान बन गया है।
अब धन आ गया है तो क्या होता है, ज्यादातर जब धनवान बनता है इंसान गलत रास्ते में चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने शराब भी पीनी शुरू कर दी, जुआ भी खेलना शुरू कर दिया, कुसंगत में पड़ गया। अब चिड़िया अपने पति से कहती है कि हमने इसका भला किया था, ये तो बुरे रास्ते पे चल पड़ा है, ये तो गलत हो गया। हमने तो इसका भला करने के लिए चार दाने उठा के लंगर में डाले थे, इसके दिन पलट गया, अब ये उस धन का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो उसका घर वाला कहते हैं काम करते हैं, इसे हक नहीं है बरकत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कह लगे अब क्या करें इसके लिए, कह लगे चार दाने लंगर से उठा के लाएंगे, इसके घर में डालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे ना बहुत लोग बहुत कुछ दे देते हैं खाने पीने के लिए, बहुत कपड़े बहुत कुछ, तो कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैसे मुझे हुक्म है महापुरुषों का भी, मेरी माता का भी, कि घर में कुछ नहीं लेके आने, सब बांट दिया कर, कुछ नहीं लाना, बहुत सख्ता है घर में, नहीं लाने देते। पर फिर भी मैं ना कुछ बहुत चीज़ पसंद आ जाती खास तो थोड़ी ले जाता हूँ, कहते वो साखी याद कर लिया कर, तू चार दाने रोज ले आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोज मुझे ये बात कहते हैं, अभी इतनी प्यारी कुछ कुछ चीज़ पसंद आ जाती है, फिर वो उसके पैसे डाल देते हैं सेवा में कि नहीं चार दाने ले आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर पॉइंट में ज्ञान है, ले लो, सिंपल बात है। इसका गलत मतलब नहीं निकाल देना। बाबा कुंदन सिंह जी के वचन है महापुरुषों के, ये नहीं कि लंगर प्रसाद लेना नहीं है, लंगर प्रसाद कहते थे हाथ फैला कर लेना है। कोई अमीर आदमी ये ना कहे कि मुझे नहीं लेना, मुझे कोई कमी नहीं, कहते थे अमीर को तो सबसे पहले आगे हाथ फैला के लेना चाहिए, क्योंकि जो लंगर के लिए हाथ फैलाता है उसे किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ये वचन है। यहाँ पर बात है कोई लालच करके ले जाए, कई लोग ऐसा करते हैं ना, थैले भर भर के ले जाते हैं लालच करके कि ले जाए, वो अपनी गरीबी घर में ला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई संगत का पैसा हो, संगत की माया हो, संगत ने किसी सेवा के लिए दिया, वो पर्सनली यूज़ कर लग जाए जो कोई, तो अपने घर में बीमारियां लेके आ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात यहाँ पर ये है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि चार दाने अंगर लंगर में डाले तो झोपड़ी से महल में आ गया, गुरु हराय साहब जी कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लंगर की अहमियत को समझो, दसवंध की अहमियत को समझो। दसवंध देने का तरीका होता है, ये भी समझ लो, जाके दे, छिपा के दे, रजा के दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बाबा नंद सिंह जी के वचन। सबसे पहले तो अपने दसवंध को, जब आपका दसवंध इकट्ठा होता है, निकालना जरूर चाहिए, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि दसवंध हमारा है ही नहीं, ये 10% निकाल के बाकी 90% अमृत बन जाता है, नहीं तो ये 10% उसे जहर बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दसवंध सबसे पहले आपके आसपास आप देखो, कोई जरूरतमंद है उसकी मदद करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, निगाह मारो, अपने हाथों से उसकी मदद करो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है लंगर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझो 5% मदद कर दो, 5% लंगर में दे दो। अगर कोई मदद के लिए नहीं दिख रहा आपको, नहीं समय, फिर लंगर में दो। पर कोशिश करो अपने हाथों से आपके आसपास आपको कोई दिखाई दे रहा है जरूरतमंद, उसकी जरूरत पूरी कर दो उसे पता चले बिना। प्यार से बोलिए धन गुरु ने, ये नहीं जाके दिखाना है कि मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, इस प्रकार से मदद कीजिए कि उसे पता भी ना चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी कहते थे दसवंध इतनी जल्दी प्रफुल्लित होता है अगर किसी चिट कपड़े यानी वाइट कपड़े पहनते भाव, कोई ऐसा दिखे जो जरूरतमंद हो पर मांगता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरूरत है आपको पता है इसे जरूरत है, पर ये अनख वाला है, मांगेगा नहीं, हाथ नहीं फैलाएगा, छिपा के इसकी मदद कर दो, कहते गुरु की पूरी प्रसन्नता हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हथों देखे पला मनाए, चार दाने लंगर में साथ संगत जी, जरा विचार करके देखो। दास यहाँ पर एक पॉइंट निकला, तो दास एक बार सबसे बेनती कर दे, लोग मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेके आते हैं, एक एक लाख रुपए का पेन लेके आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या करूँ मैं उसका, थोड़ा विचार कीजिए लाने से पहले नाम। एक्चुअली तो मैं ज़्यादा करके जो गिफ्ट मिलते हैं ना, समझो कोई ड्राई फ्रूट्स की ट्रे दे गया, कुछ दे गया, मैं बेच देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं सच बता रहा हूँ, बुरा मानो तो बुरा मानो, भले ना दिया करूँ।
क्योंकि यही पैसे लंगर में काम आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या करूं इतने ड्राई फ्रूट का, मैं क्या करूं महंगे महंगे गिफ्ट का, कोई मोबाइल दे जाता है, मोबाइल तो फिर भी बिक जाता है, 1 लाख रुपए का पेन का क्या करूं, मैं बेचता हूं तो कोई खरीदता भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने सेवादारों से कहा जो जो भी गिफ्ट मिलते हैं ना बाहर स्टॉल लगा दो अब और सेल लगा दो उसकी, शायद कोई ले ले और पैसे आ जाएंगे उसके बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पैसे का सही इस्तेमाल करो, किसी के काम तो आए, किसी मुख में पड़ जाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट लंगर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंगर गुरुसाहिब जी ने कैसी रिवाज चलाई है, ना जात पूछी जाती है, ना धर्म पूछा जाता है, ना गोत्र पूछा जाता है, ना तो अमीर है कि गरीब है पूछा जाता है, सबको एक समान खिलाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब मिलकर बनाती हैं, नाम जपते हुए बनाती हैं, प्रसाद हो जाता है, खाने वाले का मन नाम से जुड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा विचार कर लिया कीजिए कुछ भी चीज देते वक्त, अगर आपको सच में सेवा करनी हो ना मन, तो गुरु का लंगर पहले अपने हाथों से किसी को जाकर दें, अगर कोई दिखे जरूरतमंद, नहीं तो फिर गुरु का लंगर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर तीसरी चौथी ऑप्शन आती हैं जिनके पास बहुत धन हो, प्रेफरेंस गुरु का लंगर है, कोई धर्मशाला बन रही, कुछ बन रहा है, जिनके पास बहुत धन है वहाँ दे सकते हैं। एक ईंट भी लग जाए तो बाबा रामचंद्र जी कहते थे कि ये ईंट यहाँ पर नहीं लगती जहाँ पर संगत आकर रुकती है, ये ईंट दरगाह में लगती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा, और सेवा हो कैसे, क्यों कहा है जाकर दे, विनम्रता जाकर देनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यानी बुला के आपके सेवा ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, छिपा के दे ताकि किसी को पता ना चले। जो बीज धरती में चला जाता है पेड़ उसका बनता है, जो ऊपर है जो उसे तो पशु पक्षी खा जाते हैं, वाह वाह मिल जाएगी, लोग कहेंगे वाह इसने सेवा की, पर वो वाह वाह ही फल है और उसके आगे कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बीच में आए थे मेरे पास दास ने पहले भी कहा था कि पूरे हॉल की जो धर्मशाला बन रही पूरा एक हॉल का एक फ्लोर की सेवा मुझे दे दो, पर नाम लिखो मेरे दादाजी का, मेरा पिताजी का, मेरे परिवार का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने बेनती की, मैंने यहाँ पे नाम लिखा जाएगा तो केवल गुरु नानक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ी लेट बन जाएगी कोई फर्क नहीं, पर नाम केवल गुरु नानक का आएगा, किसी का भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक देगा तो तू देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी क्या बिसा तुम कुछ कर ले सेवा, वो करवाता है जिस तो आप कराए, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तो आप कराए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मिठा बोल मिठा बोल नीब चल रे, मिठा बोल नीब चल रे, हाथों देख के राम नाए।
बनाए हथों दे के पाला मनाए हथों दे के पाला एक जरूरी पॉइंट यहाँ पर बहुत जरूरी है हाथों देके पला मनाए। जब भी कोई महापुरुष कोई नाम जपने वाला आपके घर में आता है तो बाहर से मत सामान मंगाओ खिलाने के लिए, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मौका मिला है अपने हाथों से पूरा परिवार सेवा करे, ये जुगती दास बता रहे हैं। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले किसी के घर में गए, बहुत अमीर घर, बुलाया उन्हें फॉरेन कंट्री, तो सारे नौकर चाकर सेवा कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो सेठ है जिन्होंने बुलाया है वो सामने बैठे हैं सोफे पर, नौकर चाकर आगे पीछे भाग रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं। तो खिलाने के बाद कहते हैं ना अरदास करो, तो महापुरुषों ने अरदास की कि दाना पानी वाहेगुरु तेरा और सेवा सारी नौकरों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन नौकरों की कमाई में बरकत डाल, इन नौकरों को नाम के दांत बख्श। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेठ कहने लगा सेवा तो मैंने की है, मैंने बुलाया आपको, अरदास आपने नौकरों की कर दी। कहने लगी सेवा उन्होंने की है, तूने क्या किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो सामने बैठा हुआ है, बस जिन्होंने सेवा की है सेवा का फल भी उन्हें मिलेगा जिन्होंने हाथों से की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश किया करो नाम जपने वाले जब घर में आए अपने हाथों से सेवा करो। कृष्ण जी ने जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया था ना, तो कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ये अश्व तुझे अश्वमेघ यज्ञ का फल नहीं दिलाएगा, फल का यज्ञ का फल तुझे दिलाएगी सेवा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे संसार के ऋषि मुनि अब आएंगे अपने हाथों से सारे भाई मिलकर चरण धोना, अपने हाथों से चरण धोना एक एक के, अपने हाथों से भोजन तैयार करना, अपने हाथों से परोसना, जूठे पत्तल अपने हाथों से उठाना, नौकरों को आगे मत कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू ये करेगा तो तेरा अश्वमेघ यज्ञ सफल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथों देके केवल धन की बात नहीं है, इन हाथों से किसी की सेवा, किसी का परोपकार, किसी का भला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे हमें ये ज्ञान हमारे हृदय में बस जाए और हम इन हाथों को सफल कर सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाही दसवीं कवि उपाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सबरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर चाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिए चुन सत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए अर्ध काल का त्रास नवरिए जो सदा हमारे पछा यस तुझ जो करियो रचा राख लियो मुझे राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बांध दुष्टन के हंदा हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए सब जो अवतरा काल पाए कर विषण प्रगासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो
देव दैत जक्षन उपजायो आद अंते के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवार सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्टि कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना कट कट के पट पट के जाना जब उदकर्ष करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब अकर्क कर तो कब जेते बदन श्रेष्ठ सब दार आप आपने बोझ उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचार तो भेदा को पेव न पाप तो भेदा तांको कर पान अनुमान महा मूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कह तु सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती तो पेन पेन तो तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोराव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच देने कहूं कुल राजा अब बैठा समट प्यो संक्रिय फैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो दुष्ट जिते उठवती उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे जिनके दुष्ट दुख तो हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे जिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्यै आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्ट संजाय निहरो आके ताप तनक मो हरो और ए तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा आद पास ते ताए जिन नर नाम ते हारो कहा दुष्ट लोग ते खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले ओ उबारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दोख दे ले ओ बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले ओ उबारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दोख दे ले ओ राम कली मोहल्ला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया से जिसे की मन वजिया बाधाया राग रतन परवार परिया शब्द गावन सारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे घर ता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे सच्चे सैल क्या नाई घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुक्का सब गवाइया कर सान सुख मन आए बसया जिन इच्छा स
सब पूजाइया सगले सूरे सुनते पुनीत कहते पवि सतगुरु रे अपर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहर पूरे सलो पवन गुरु पाणी पिता धर्म हजूर करमी आपो अपने जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया जिनी नाम ध्याया वाहे गुरु 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 वाहे काल नानक ते मुख उजले खेती छोटे नाल बोलो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह दिन होवे रात होवे तेरा जिक्र करा मैं तेरे होंदे आवे मेरे गुरु जी कानू फिक्र करा मैं बिन मंगया तू दिता सानू हक तो भी ज्यादा सब वचना दा गुरु जी तुसे निभाया हर वादा तेरी रजा विच राजी हर वेले हुण रहना सुख होवे दुख होवे मुहो कुछ नहीं ओ कहना सुख विच शुकराना दुख विच फरियादा हर हाल विच दाता बस तेरिया ही यादा एना दिता है दुर्बा की वे जिक्र करा मैं हर दम हर वेल गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मैं
किन्ना लफ़्ज़ां च गावा महिमा मैं तेरिया दाता हर हाल च निभाया तुसा साडे नाल नाता फण के हमेशा चंगे पासे वल तूरा असी अद्ध ते अधूरे तू है पूरण ते पूरा गल साहिल दी तुसा एक वार भी न टाली ताइयो हर कोई होया गुरु जी तुआडे दर दा सवाले पुनीत तेरा बछड़ा गुरु जी की वे शुकर करा मैं जिस हाल विच रखे तुआडा शुकर करा मैं तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुकर करा तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुकर करा तुआडा शुकर करा मैं गुरु जी तुआडा शुकर करा दरबार बुलाया चरणा विच लाया दोषा नु भुलाया आपे अपनाया हंकार मिटाया धीरज उपजाया देखे ना जताया सानू पार लगाया तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा बतेरा पल पल मैं तेरा जद होवे हनेरा जद होवे सवेरा सुख दुख सब तेरा कुछ भी नहीं मेरा कण कण विच तेरा दिसदा है बसेरा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा कहंदे ने सवाली रुतबा तेरा आली दुनिया दा वाली तेरी शान निराली मोड़े ना खाली करदा लज पाली वंडे खुशहाली डुबदी तू संभाली तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा दुखियां दा सहारा सुखियां नू भी प्यारा जद जद दिल हारा संसार सारा दिल जान विहारा डुगरी दा नजारा स्वर्गा तो भी प्यारा तुहाडा शुकर करा
सुखदाई गीते सुनवाई तुसा देर न लाई हर पीड़ मुकाई किस्मत चमकाई औकात बनाई इज्जत दी कमाई चोली विच पाई तुहाडा शुकर करा मैं गुरु जी तुहाडा शुकर करा हर आस अधूरी कीते पूरी श्रद्धा ते सबूरी देना है जरूरी रखदा नहीं दूरी कटदा मजबूरी हर वक्त हजूरी कीते मंजूरी बड़ा शुक्र करा मैं गुरु जी शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा मंगया सो पाया लारा नहीं लाया बदियां तो बचाया नेकी वल लाया सम्मान बधाया रज रज के रजाया समझाना पराया हर वचन निभाया तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा चंगिया नू मिलाया मेहनत दा खवाया विश्वास जगाया तन तन तेरी माया हर कम बनाया चुकना भी सिखाया अष्टां नूं मिटाया नीवे फल पाया तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा सतगुरु प्यारा मेरे नाल है 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 बड़ा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा हर रसना ते गुरु जी हर दिल विच वे गुरु जी हर सुख विच भी गुरु जी हर दुख विच भी गुरु जी चारे पासे गुरु जी हुंदे चर्चे कण विच वी गुरु जी तन मन विच वी गुरु जी मिल के बोलो गुरु जी अमृत बोलो गुरु जी सच दी सूरत गुरु जी रब दी मूरत गुरु जी चिंता तजिए गुरु जी हर दम जपिए गुरु जी पर दे गजदा दुखड़े हरदा गुरु जी मां फड़ लैदा गुरु जी अंग संग रहदा गुरु जी अनमोल रतन गुरु जी सजना दा सजन गुरु जी हर दम रक्षक गुरु जी करुणा दायक गुरु जी जग तो न्यारा गुरु जी रब तो प्यारा ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਵਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਸਤੀ ਦੇਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿੱਗਿਆ ਦਾ ਵੀ
करे गुरु जी नित ध्यान करो गुरु जी गुणगान करो गुरु जी एहसास करो गुरु जी कुछ खास करो थोड़ा शुक्र करा मैं गुरु जी थोड़ा शुक्र करा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा तुसा लगिया तोड़ निभाइया मैं शुक्र करा तुहाडा शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। No.
नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।